सुप्रभात बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्व पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्योऽयं भारत देश यत्र समुद्गतं जनमानस पावनी भव्य भाव भावनी शब्द शब्दो प्रसन्नी सुर भारती। धन्योऽयं धन्य माने धन्य भारत देश यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहां सम उपनिषद माने होता है शोभित होती है। जनमानस को पावनी माने पवित्र करने वाले। भव्य भाव भावनी भव्य यानी सुंदर, भाव माने विचारों को, भावनी माने उत्पन्न करने वाली, सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संग्रह माने समूह, शब्द समूहों को प्रसन्नी जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी अर्थात संस्कृत संप्रेषण माने सुशोभित है। तो यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमान यानी वर्तमान निखिलेश अपि, निखिल माने संपूर्ण, अपि माने भी संपूर्ण, वांग्मयेषु माने साहित्यों में, संपूर्ण साहित्यों में अस्या माने इसका, वांग्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते, सुसंपन्न माने समृद्ध, च माने और वर्तते माने है। वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नाना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाना अपि, संस्कृत के नाम से अपने भी लोके माने संसार में प्रथिता माने प्रसिद्ध अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वोपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं ¡Gracias!
से आठ तक देख लीजिए बच्चों, यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली, सब समूहों को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य संश्रेष्ठ और समृद्ध है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा संस्कृत का संस्कृतम नाम दैवी वा अन्नखाता महर्षि वा मने वाणी अन्नखाता वाणी कहा है। महर्षि माने महर्षियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा ही संस्कृत को देववाणी कहा गया है। संस्कृत से साहित्य सर्वम व्याकरण च सुनिश्चितम तस् गद्ये पद्ये चलायतम भाव सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते। संस्कृत संस्कृत का साहित्य रस से युक्त और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद में सुंदरता है, भाव का अवगत कराने में समर्थ है, अद्वितीय है और सुनने में मधुर है। किम पमना चरित्र निर्माण आत्म याद से सत प्रेरणा से समागमयम तथा न तारसे किंचित अन्यत। किम पमना, किम पमना माने अधिक ज्ञान हो। चरित्र निर्माण आत्म चरित्र का निर्माण करने के लिए मूलभूत मानवीय गुणा